ओके okay, आज की क्लास है नेटवर्किंग डिवाइस के रिगार्डिंग न फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस सो इंट्रोडक्शन विल फर्स्ट डिस्कस इंट्रोडक्शन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है इट इज़ आल्सो नोन एज नेटवर्किंग हार्डवेयर और नेटवर्किंग इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइजेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइजेज ऑन कंप्यूटर नेटवर्क सो so, ये रियली में है क्या ये चीज़ इट्स अ नेटवर्किंग हार्डवेयर और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स और ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनका मेनली काम क्या है कम्युनिकेशन और इंट्रैक्शन बिटवीन डिवाइसेस ऑन कंप्यूटर नेटवर्क इन्हीं सबको कहते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस इनका असली में क्या काम है स्पेसिफिकली दे मेडिटेट डेटा ट्रांसमिशन इन कंप्यूटर नेटवर्क इनका मेन काम क्या है डेटा ट्रांसमिशन किस चीज़ में कंप्यूटर नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ये ट्रांसफ़र करते हैं इन्हीं के हेल्प से ये डेटा ट्रांसफर होता है ना अब नेट डिवाइस को डिस्कस करने से पहले कुछ हम लोगों ये नॉलेज होना चाहिए लेयर के बारे में जो हमारा नेटवर्किंग मॉडल होता है उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होते हैं और जो लेयर हैं फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर सो देआर एक्चुअली सेवन लेयर्स और ये सबसे लोएस्ट लेयर है और ये सबसे हाइस्ट लेयर है फिजिकल लेयर इज़ द लोएस्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेर इज़ द हाईस्ट लेयर और जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमिट होता है इस तरह से मतलब अप्लीकेशन लेयर से जाता है फिजिकल लेयर में और रिसीव होता है जस्ट इसके रिवर्स में फिजिकल से अप्लीकेशन की ओर और. और हर लेयर पर कुछ डिवाइज होते हैं हर्ब्स रिपीटर केबल्स So, हर हर लेयर पे कुछ आपको डिवाइस देखने मिलेंगे सो विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल वन बाय वन इस इसी के बारे में ये पूरा स्लाइड है ना फर्स्ट इज रिपीटर पहला डिवाइस क्या है रिपीटर अ रिपीटर ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर जो सबसे लोएस्ट लेयर होता है उस पर यह रिपीटर काम करता है इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम टू वीक और करप्टड इसका मेन काम क्या होता है ये रीजनरेट करता है सिग्नल को क्यों री करता है क्योंकि या तो हो सकता है सिग्नल बहुत कम कमज़ोर हो गया हो या करप्ट हो गया हो और ये जो रीजनरेट करता है सिग्नल को किस नेटवर्क पे करता है सेम नेटवर्क पे। ये दूसरे नेटवर्क पे ये काम नहीं करता ना एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट रिपीटर इज दैट दे डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये सिग्नल है छोटा वाला इसको एम्पलीफाई करके इतना बड़ा कर ये एम्पलीफाई नहीं करता ये रीजनरेट करता है अगर सिग्नल यहाँ से कहीं ब्रेक हो गया है तो इसको फिर से रीजनरेट करके इसी तरह का एक सिग्नल बना देगा इट्स अ टू पोर्ट डिवाइसेज या सी वन पोर्ट एंड सेकेंड पोर्ट सेकेंड डिवाइस इज हब हब इज बेसिकली अ मल्टी पोर्ट रिपीटर प्रीवियस में क्या था रिपीटर टू पोर्ट डिवाइसेस था और ये क्या है मल्टी पोर्ट डिवाइसेस एक दो देर आर मेनी पोर्ट्स एयर वी कैन कनेक्ट एज मैनी एज डिवाइस एज बी वी वॉन्ट हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर कमिंग फ्राम डिफरेंट ब्रांचेज जैसा हम लोग को यहाँ दिख रहा है हब कैन नॉट फिल्टर डेटा सो डेटा पैकेट्स आर सेंट टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस अब क्या करता है डेटा रिसीव करता है और उसको ये ट्रांसमिट कर देता है कौन कौन से डिवाइस को जो डिवाइस इनसे इस इस यू केबल जो भी पोर्ट है इसके थ्रू जो कनेक्टेड होंगे ये डेटा फिल्टर नहीं करता है जो भी डेटा इसके पास आता है इसको सिंपली ट्रांसफर करता है और ये एक तरह का हब है ये एग्जाम्पल नाउ थर्ड वन इज ब्रिज ब्रिज ऑपरेट है डेटा लिंक लेयर ये जस्ट फिजिकल लेयर के ऊपर का एक लेयर है डेटा लिंक लेयर उस वहां पे ये ब्रिज काम करता है ब्रिज इज़ अ रिपीटर उसी तरह होता है विथ एड ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट फिल्टरिंग कंटेंट बाई रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो so, ये एक्चुअली क्या काम करता है ब्रिज एक तरह का रिपीटर ही है मगर तो इस पर इसके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है ये क्या करता है फिल्टरिंग ऑफ डेटा और फिल्टरिंग कैसे करता है डेटा बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस मशीन के जो भी एड्रेस होता है दैट इज़ नोन एज फिजिकल एड्रेस जो होता है मशीन का दैट इज़ नोन एज मैक एड्रेस तो जो सोर्स का मैक एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा उसके बेसिस पे ये डेटा फिल्टर करता है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लाइन्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल ये दो नेटवर्क दो लोकल एरिया नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है और उन्ही लोकल एरिया नेटवर्क को यह कनेक्ट कर सकता है जो सेम प्रोटोकॉल पर काम करते हों अलग अलग प्रोटोकॉल पर काम करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं करेगा उसको इट हैज़ अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट द इज मेकिंग टू पोर्ट डिवाइज इट इज ऑल्सो अ टू पोर्ट डिवाइज ना दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिज ये एक ब्रिज है और यहाँ एक पोर्ट इससे कनेक्टेड है एक पोर्ट इससे कनेक्टेड है और ये पूरा एक नेटवर्क यहाँ से कनेक्टेड है इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दिस इज वॉट फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन ये दोनों कनेक्टेड हैं ब्रिज से फोर्थ वन इज स्विच स्विच क्या है स्विच इज अ मल्टी पोर्ट ब्रिज ये एक तरह का ब्रिज है मगर ये मल्टी पोर्ट है ब्रिज क्या था टू पोर्ट था और ये मल्टी पोर्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट इम्प्लाई लेस ट्रैफिक अगर किसी ब्रिज में ज़्यादा पोर्ट होंगे जैसा यहाँ दिख रहा है तो बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक कम होगा क्योंकि तो ज़्यादा यहाँ इस, इसके पास पोर्ट है और स्विच इज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइसेस ये भी जहाँ ब्रिज जैसा जो लेयर पे काम करता था वहीं पे स्विच भी काम करता है द स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा तो इसके पास एक और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है एयर एर चेकिंग भी करता है अगर कोई डेटा में सेंडर अगर गलती से कुछ एरर वहाँ पे आ गया सेंडर से रिसीवर तक पहुँचने में मान लो ये रिसीवर है और यहाँ सेंडर है और यहाँ बीच में एरर आ गया तो ये क्या करेगा जो स्विच होगा वो एरर चेकिंग करेगा एंड मेक इट वेरी इफिशेंट एज इट इज नॉट फॉरवर्ड पैकेट दैट हैव एरर एंड फॉरवर्ड गुड पैकेट सेलेक्टिवली टू द करेक्ट पोर्ट ओनली तो ये क्या करेगा जिस पैकेट में एरर होगा उसको सेंड नहीं करेगा सिर्फ जो अच्छा पैकेट होगा उसी को ट्रांसमिट करेगा ना फिफ्थ वन इज राउटर राउटर इज़ अ डिवाइस लाइक ए स्विच दैट राउट्स डेटा पैकेट बेस्ड ऑन देअर आई पी एड्रेस तो ये क्या करता है राउटर ये जो भी कंप्यूटर uh, का जो आईपी एड्रेस होता है उसके बेसिस पे ये डेटा को ट्रांसमिट करता है ये मैक एड्रेस को कंसिडर नहीं करता ये सिर्फ आई एड्रेस को कंसिडर करता है और ये जो होता है ये नेटवर्क लेयर डिवाइस मतलब जो फिजिकल सबसे नीचे का लेयर फिजिकल लेयर देन वी हैव डेटा लिंक लेयर नाउ अब दिस वी हैव नेटवर्क लेयर डिवाइसेस तो ये वहाँ पे काम करता है राउटर मेनली नॉर्मली कनेक्ट लाइन एंड वैन टूगेदर इसमें एक और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है लाइन और वैन को एक एक के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है नाउ दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ राउटर फंक्शनैलिटी ये राउटर है इसके साथ ये डिफरेंट स्विचेस कनेक्टेड हैं तो ये हो गया नेटवर्क लेयर पे, ये हो गया आपको डेटा लिंक लेयर पे और ये हो गया फिजिकल लेयर पे, और यहाँ पे आपका जो भी लाइन कनेक्टेड है कंप्यूटर कनेक्टेड है वो ये हो गया तो इस तरह से कनेक्शन होता है सबसे नीचे वी हैव हब देन वी हैव स्विच एंड देन वी हैव राउटर और इसी तरह से सिग्नल मालूम ट्रांसमिट हो रहा है सिक्स वन इज गेट वे इट अ पैसेज ऑफ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क टूगेदर डेट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल गेट वे क्या है ये मेनली दो नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है ईजिली जो डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल पर काम करते हो सेम मॉडल पर काम नहीं करते या सेम प्रोटोकॉल पर काम नहीं करते हुँ. अगर उनको कनेक्ट करना है तो विद इन गेट वे गेट वे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर जैसा कि पहले आपको डिफिनीशन से पता चलता है ये कोई भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं जो डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल पर काम करते हों एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर गेट वे आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स दैन स्विच और राउटर ऑब्वियस है कि अगर ये दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को अगर कनेक्ट करते हैं नेटवर्क को तो ये उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे और दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ये मान लो कि आप ये अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल uh, पे काम कर रहा है नेटवर्क ये वाला और ये जो है ये आपको अलग नेटवर्क पे काम करता है अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है सो वी नीड गेट वे दिस वन नाउ सेवेंथ वन इज राउटर एज द नेम सजेस्टेडर राउटर इज वॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर एंड ब्रिज ये राउटर और ब्रिज को अगर कंबाइन करोगे सो विल गेट ब्राउटर इट इज ऑल्सो एज ब्रिजिंग राउटर इज अ डिवाइस विच कम्बाइन द फीचर ऑफ बोथ ब्रिज एंड राउटर इट कैन वर्क आइदर एट डेटा लिंक लेयर और एट नेटवर्क लेयर क्योंकि जो राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है ब्रिज काम करता है डेटा लिंक लेयर पर तो ब्राउटर दोनों लेयर पर काम कर सकता है So working as router, it is capable of routing packet across network and working as bridge, it is capable of filtering local area network traffic. So this is the perfect example of router. एक लाइन को कनेक्ट किया दूसरे लाइन से. So ये किसी भी लेयर पे काम कर सकता है मतलब डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर किसी पे भी. Now this is the end of your class. Thank you.